राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT भारत और इंडिया के बीच अंतर नहीं करती है और संविधान में निहित भावना को स्वीकार करते हुए दोनों को मान्यता देती है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। वह माकपा सदस्य इलामाराम करीम द्वारा स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में देश के नाम इंडिया को भारत से बदलने की NCERT की समिति की सिफारिश के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत का संविधान देश के नाम के रूप में इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है और इनका उपयोग परस्पर किया जा सकता है। NCERT संविधान में निहित भावना को स्वीकार करती है और दोनों के बीच अंतर नहीं करती है। देश सामूहिक रूप से औपनिवेशिक मानसिकता से दूर जा रहा है और भारतीय भाषा में शब्दों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। गत अक्टूबर में स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए NCERT द्वारा गठित सामाजिक विज्ञान की उच्च स्तरीय समिति ने सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक में इंडिया को भारत से बदलने की सिफारिश की थी। हालांकि NCERT ने कहा था कि उसे अभी सिफारिशों पर निर्णय लेना है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के तहत अब तक 15 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। इन सभी संगठनों पर 2019 से 2023 के बीच UPA की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से 8 संगठनों पर 2019 में कार्रवाई की गई। UPA 1967 गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने का प्रावधान करता है।